एक तो आप लोग पढ़ाई करते वक्त या कुछ भी करते हो तो अपने माइंड को थोड़ा खाली रखा करो, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चिंताएं और अपने दिमाग में मत रखना। और बहुत से लोग तो क्या करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी बात करते हैं तो सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, बस वही वो बोलते जाते हैं। वो उनको लगता है कि यार मेरे को सब कुछ आता है, सामने वालों को कुछ नहीं आता। अगर आप ये सोचते हो ना, मैं छोटी सी भी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा, एक कप चाय की। एक कप चाय, जापान में पता है आपको बौद्ध धर्म चलता है, और जापान में एक वहां की शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी बात है, तो वो क्या सिखाते हैं ना, तो एग्जाम्पल के साथ में सिखाते हैं, उदाहरण देते हैं, तो व्यक्ति के दिमाग में तुरंत फिट हो जाता है। वो सिर्फ रट्टा नहीं मारते, वो एग्जाम्पल के साथ में सीखते। तो एक बार एक प्रोफेसर बौद्ध गुरु के पास में जाते हैं कुछ पूछने के लिए। प्रोफेसर होते हैं वो, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनके पास भी बहुत बड़े नॉलेज होता है और बहुत बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको कुछ पूछना होता है तो वो बौद्ध गुरु के पास में जाते हैं। तो बौद्ध गुरु के यहाँ जाते हैं और वहाँ बैठते हैं बौद्ध गुरु के सामने। अब बौद्ध गुरु कुछ बोलते हैं उससे पहले ही वो प्रोफेसर बोल पड़ते हैं, और वो बोलते रहते हैं, बस अपनी अपनी बातें बताते रहते, बोलते रहते। बौद्ध गुरु सोचते हैं कि ये बात थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो बोलते 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 ही रहते। बौद्ध गुरु उनके लिए चाय मंगाते और उनके सामने तब भी वो बोलते रहते हैं। तो केतली में उस कप में बौद्ध गुरु उस चाय को डालते हैं, चाय फुल हो जाती है कप में तो वो नीचे गिरने लगती है। तो प्रोफेसर कहता है कि गुरुदेव कप फुल हो गया है, चाय नीचे गिर रही है। तो यही बात बौद्ध गुरु कहते हैं कि यही बात तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, तुम मेरे पास किस लिए आए, कुछ पूछने के लिए आए, लेकिन क्या तुम मुझे बोलने का मौका दे रहे हो? जिस प्रकार ये कप भर गया है और चाय नीचे गिर रही है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग को खाली करो। अगर तुम्हारा दिमाग भरा हुआ होगा तो मैं तुम्हें कुछ क्या चीज बताऊंगा और क्या तुम्हारे दिमाग में फिट होगी, तुम्हारा दिमाग तो पहले ही भरा हुआ है। तो वह प्रोफेसर, उसका सिर लज्जा से झुक गया और उसने कहा था, गुरुदेव मुझे माफ करो, मैं अपने आप को थोड़ा ज्यादा ज्ञानी समझने लग गया था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। तो ध्यान रखना, कुछ भी हो, कहीं पर भी जाओ तो दिमाग थोड़ा खाली रखना, अपने आप को हमेशा एक सीखने का ललक रखना कि यार मुझे कुछ नहीं आता है। हमेशा माइंड में यही रखना कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सीखना है। कभी ये मत कहना कि मुझे सब कुछ आता है। अगर आपने अपने माइंड में यह बात रखी ना कि मुझे सब कुछ आता है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो माइंड में हमेशा ये रखना कि मुझे कुछ नहीं आता है। कभी किसी को ये मत कहना कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में किसी को नहीं आता है। चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, हर किसी को सब कुछ नहीं आता है।